भाइयों से शिकस्त खाने के बाद हुमायूं ईरान चला गया, जहां उसको ईरान के बादशाह तहमासप ने पनाह दी। फिर 2 साल बाद हुमायूं तहमासप की मदद से अफगानिस्तान पे हमला आवर हुआ। जब हुमायूं लश्कर लेके कंधार के किले के बाहर पहुंचा, तो उसके भाई कामरान मिर्ज़ा ने हुमायूं के बेटे अकबर को किले की फसील के साथ बांध दिया, ताकि हुमायूं कैटापुल्ट से गोले ना बरसाए। लेकिन जंग का नतीजा ये निकला कि हुमायूं ये जंग जीत गया और उसने अपने बेटे अकबर को भी बचा लिया और काबुल और कंधार पे कब्जा कर लिया। तब तक अकबर की उम्र 3 साल हो चुकी थी।